हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं क्लास टेंथ का हिस्ट्री। देखिए, आपका पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चले दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। आपका पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। इसका सही आंसर है सी, यूरोप महादेश का है। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। यह 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपका ऑप्शन है हाप्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। इसका सही आंसर है सी, बुर्बो वंश। तीसरा क्वेश्चन है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। आपका ऑप्शन है लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेंटारिया, डायट। तो इसका सही आंसर है बी, कार्बोनरी। चौथा क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। आपका ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। इसका सही आंसर है सी, ऑस्ट्रिया। पांचवा क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। आपका ऑप्शन है सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। इसका सही आंसर है सी, प्रधानमंत्री। छठा क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। यह क्वेश्चन 2012, 2014, 2019 में पूछा गया है। आपका ऑप्शन है सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। इसका सही आंसर है डी, नाविक। सातवां क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। यह क्वेश्चन 2014, 2016 में भी पूछा गया है। आपका ऑप्शन है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, बिस्मार्क। तो इसका सही आंसर है बी, नेपोलियन बोनापार्ट। आठवां क्वेश्चन है, जालबेरिन की एक ऐसी संस्था थी। आपका ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की। तो इसका सही आंसर है बी, व्यापारियों की। नौवां क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। यह क्वेश्चन 2011, 2017, 2020 में भी पूछा गया है। इसका ऑप्शन है मेजिनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम। तो इसका सही आंसर है सी, बिस्मार्क। दसवां क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। आपका ऑप्शन है 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। इसका सही आंसर है डी, 1871 ईस्वी में। 11 नंबर का क्वेश्चन है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। आपका ऑप्शन है जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। इसका सही आंसर है बी, यूनान। 12 नंबर का क्वेश्चन है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। आपका ऑप्शन है 1820 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में, 1823 ईस्वी में। इसका सही आंसर है बी, 1821 ईस्वी में। 13वां नंबर क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। आपका ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड। इसका सही आंसर है डी, इंग्लैंड। 14 नंबर का क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, यानी कब किया गया। 1836 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में,
1830 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है बी 1832 ईस्वी में। 15 नंबर का क्वेश्चन है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? आपका ऑप्शन है हीगेल, अंडर्ट, हमबोल्ट, जैकब ग्रीम। तो इसका सही आंसर है ए हीगेल। 16 नंबर का क्वेश्चन है, एड्रियानो पुल की संधि कब हुई? आपका ऑप्शन है 1828 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर है बी 1829 ईस्वी में। 17वां क्वेश्चन है, एड्रियानो पुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? आपका ऑप्शन है तुर्की रूस, यूनान पोलैंड, तुर्की हंगरी, हंगरी पोलैंड। तो इसका सही आंसर है तुर्की रूस। 18 नंबर का क्वेश्चन है, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? ऑस्ट्रिया और प्रसा, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और प्रसा, प्रसा और रूस। इसका सही आंसर है सी फ्रांस और प्रसा। 19 नंबर का क्वेश्चन है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, तुर्की। इसका सही आंसर है बी ऑस्ट्रिया। 20वां क्वेश्चन है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? आपका ऑप्शन है रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। इसका सही आंसर है ए रूस। 21 नंबर का क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? यह 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपका ऑप्शन है सेडोन, सेडेवा, साइडन, फ्रैंकफर्ट। इसका सही आंसर है ए सेडोन। 22 नंबर का क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। आपका ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध, सेडेवा का युद्ध, प्रसा डेनमार्क युद्ध, सेडोन का युद्ध। इसका सही आंसर है डी सेडोन का युद्ध। 23 नंबर क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है मेजिनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमानुएल, मुसोलिनी। इसका सही आंसर है ए मेजिनी। 24 नंबर का क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। आपका ऑप्शन है तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। इसका सही आंसर आपका होगा ए तुर्की को। 25 नंबर का क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1815 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, सभी देख रहे हैं ना। तो देखिए, इसमें जो है आपका क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया है कि 1815 ईस्वी, 1818 ईस्वी, 1820 ईस्वी, 1848 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ए 1815 ईस्वी में। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।